एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, वी सैल्यूट द राइजिंग सन। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी सुनी है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, खराब बात है, अशुभ है। यूरोप और अरब के देशों में ऐसा मानते होंगे, हम भारतवासी नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूछते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता है और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता। बड़ी बात है सूरज का सूरज होना, तेजो राशि जगत पते होना, सृष्टि और जीवन का आधार होना। सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हर साल दीपावली के छठवें दिन, तिथियों की भाषा में कहूं तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देवता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। भारत की नस नस में बसा हुआ यह त्यौहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्यौहार का संगीत फीका पड़ जाता है जब यूपी, बिहार, झारखंड की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक स्वर में गा उठती हैं कि कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, होई न बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुंचाए। मैं समझता हूं इतना करुण, इतना संवेदनशील, इतना मन को छू लेने वाला, इतना माटी से जुड़ा हुआ और इतना भावना से भरा हुआ गीत शायद ही कोई दूसरा हो। छठ माता कौन है इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्रि में पूजी जाने वाली मां कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री यानी वो बेटी जिसके जन्म में शरीर की कोई भूमिका ना हो, मन से मन का मिलन हुआ, तरंगे टकराई, ब्रेन की एनर्जीज मिल गई और संतान का जन्म हो गया। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में म्यूटेंट्स का जन्म ऐसे ही होता है, हम विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन हजारों साल पहले वेदों पुराणों में लिखी गई ये बातें हमको अविश्वसनीय लगती हैं, कोरी कल्पना लगती हैं। एक बार ठहर के सोचिएगा कि आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में हम कितना पीछे जा चुके हैं। अपने सच को झूठ मानते हैं और दूसरों के झूठ को सच। मैं एक ऐसे युवा भारत का सपना देखता हूं जो दिन भर इसरो में बैठ के अंतरिक्ष में रॉकेट्स भेजे लेकिन रात को सोने से पहले श्रीमद् भगवद गीता के दो पन्ने पढ़ के ही आंखें बंद करे। मॉडर्न होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है। और विश्वास मानिए, अगर हम अपने रीति रिवाजों से, अपनी संस्कृति से, अपने ग्रंथों से, अपने पूर्वजों से कट गए तो हम में और खूंटे से बंधे हुए एक जानवर में कोई अंतर बाकी नहीं रह जाएगा। हम पशु होकर संतुष्ट हैं या प्रभु होने की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, यह निर्णय हमें आज लेना होगा, अभी लेना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वापस लौटते हैं छठ पूजा की ओर। ये पूजा पहली बार कब शुरू हुई थी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। बिहार का एक जिला है भागलपुर, महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था और इसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण। कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे ऐसा पढ़ने में आया है। अब कर्ण तो थे ही सूर्य के पुत्र, तो सूर्य उपासना और पिता की उपासना कर्ण के लिए दोनों का एक ही अर्थ था। कहते हैं उस दिन कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के तीरों से बिंधकर कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो आकाश पर चमकता हुआ सूर्य रो पड़ा। अपने पुत्र की मृत्यु सूर्य देव सहन नहीं कर पाए। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानंद देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आद्र घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। ये था कर्ण और सूर्य का संबंध, लेकिन हम भी सूर्य को पिता ही मानते हैं और इस नाते हमारे अंदर भी एक कर्ण सांस ले रहा है। मैं और आप भी कर्ण की ही छाया हैं। छठ पूजा पे जब हम सूर्य को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं तो ये आदर सिर्फ एक भक्त भगवान को नहीं दे रहा, एक पुत्र अपने पिता को भी दे रहा है।
इसलिए छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, हजारों वर्ष पुराने एक संबंध की मौन घोषणा भी है। ये दुनिया जान ले कि हर भारतवासी सूर्य के संतान है। हम सूरज की तरह तपना भी जानते हैं और सूरज की तरह चमकना भी जानते हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो सूरज को फूंक मार के बुझा सके। जब कहीं कुछ नहीं था तब भी हम थे, और जब कहीं कुछ नहीं होगा तब भी हम होंगे। मैं मुंबई में रहता हूं और मेरे जैसे लाखों उत्तर भारतीय यहां रहते हैं। हर साल जैसे जैसे छठ पूजा नजदीक आती जाती है, मैं देखता हूं कि मुंबई में उत्तर भारतीय कम हो रहे हैं, मुंबई उत्तर भारतीयों से खाली हो रही है। ऑटो वाले माता दीन और चाट वाले बटेसर भैया से लेकर मनोज मुंतशिर तक सब गांव का टिकट कटा के चल देते हैं। और क्यों चल देते हैं? क्योंकि छठ पूजा साल का अकेला ऐसा पर्व है जब मिट्टी और माँ दोनों मिलके एक साथ हमें आवाज देते हैं। घर आजा बेटा, छठ माँ के लिए ये जो कच्चे बांस की भंगी बनाई है, ये नदी के घाट तक तुझे ही तो ले जानी है। एक बार माँ का ये संदेशा मिल जाए, फिर तो हम काल के रोके भी नहीं रुकते। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा, जियरा में उठत हिलोर, पुरवा के झोंकवा से आयो रे संदेशवा, के चल आज देसवा की ओर। और एक बार हम अपने गांव देश पहुंच गए तो शुरू होता है छठ पूजा का 4 दिवसीय कार्यक्रम। पूरे 4 दिन क्या धूम, क्या गहमा गहमी, क्या उल्लास, लगता ही नहीं कि दिवाली जा चुकी है। क्या होता है इन 4 दिनों में, ये उनको बताने की जरूरत नहीं है जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिनकी जड़ें टूट गई हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है अगले 2 मिनट तक शांति के साथ मुझे सुन लें और जान लें कि छठ की ये परंपरा है क्या, और क्यों मैं बार बार कहता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा उत्सव कोई दूसरा नहीं है। शायद आपकी सोई हुई जड़ें जाग उठें और आप अगली छठ अपने गाँव में मनाएं। छठ का पहला दिन, इसे कहते हैं नहाए खाए। पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है, घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है, सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होता है। छठ के दूसरे दिन लोग साफ किए हुए चौके बर्तन से छठ का प्रसाद बनाते हैं। छठ का प्रसाद सुनते ही अगर आपके मुंह में पानी आ गया तो आपका कोई दोष नहीं है, मेरा भी यही हाल है। ठेकुआ, क्या बताएं ठेकुआ क्या होता है और कैसा होता है। मैदे और बेसन में गुड़ मिलाकर ठेकुआ बनता है और उसका स्वाद देवराज इंद्र के स्वर्ग भोज में भी नहीं आएगा, ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ठेकुआ जितना खस्ता बने उतना अच्छा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एक ठेकुआ के लिए 56 प्रकार के व्यंजन छोड़ सकते हैं। ठेकुआ बनाने के बाद शाम को एक विशेष पकवान बनाया जाता है जिसे लौकी दाल कहते हैं। अब देश के अलग अलग भागों में इस लौकी दाल का रंग रूप बदल जाता है, कहीं यह लौकी दाल है तो कहीं गुड़ वाली खीर यानी बखीर। तो जम के लौकी दाल खाओ और अगले दिन के निर्जल व्रत के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिलने वाली। ये जो निर्जला व्रत का दिन है, यही छठ का मुख्य दिन होता है। दिन भर पानी के दर्शन नहीं होते, होंठ रेगिस्तान की तरह सूख जाते हैं, और इन्हीं सूखे हुए होठों से अपने बेटे बेटियों के लिए माएं ऐसे ऐसे गीत गाती हैं कि आंखें भीग के गंगा जमुना हो जाएं। पहले पहल हम कैनी, छठी मैया व्रत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, सबके बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनैहा बनैहा, मैया देहा सुखसार। ये गीत छठ का व्रत रखने वाली एक ऐसी महिला गा रही है जो व्रत तो है पर व्रत के सारे नियम कानून नहीं जानती। वो भोलेपन से अनजाने में हुई भूल चूक के लिए छठ मैया से माफी मांग रही है, और छठ मैया उसे माफ भी कर देंगी, क्योंकि इस त्यौहार में श्रद्धा रखने वाले के लिए कोई कर्म कांड नहीं होता, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा पद्धति, ना कोई पुरोहित, ना कोई यज्ञ हवन। जिसे पूजा पाठ कुछ भी ना आता हो, ये त्यौहार उसके लिए भी है। फिर नदी या पोखर के किनारे मिट्टी की बेदी बनाकर उस पर आटे से चौका पूरा जाता है। बेदी के चारों कोनों पर ताजा गन्ने या ऊख के पौधे को गाड़ दिया जाता है। देखिए, यह है वो पौधा, एक अंश है, एक हिस्सा है उसका, पर है ये ऊख गन्ना। अब इस गन्ने पर साड़ी गमछा या धोती डाल दी जाती है और बेदी के पास बैठकर महिलाएं अपने मधुर स्वर में छठ के गीत गाती हैं।
भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, विज्जिका जैसी ठेठ लोक भाषा में रचे गए गीत ही छठ पूजन का मंत्र हैं। और जिस श्रद्धा, जिस आस्था के साथ छठ का निर्जल व्रत कर रही महिलाएं इन गीतों को गाती हैं, मुझे नहीं लगता कि छठ के दिन इन गीतों की शक्ति वैदिक मंत्रों से कोई कम होती होगी। वेदी पर लगाई गई ऊख छठ मैया है, कहीं कोई और प्रतिमा नहीं, कहीं कोई और पद्धति नहीं। छठ के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को एक पहर अंधेरा बाकी रहते ही लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं अपनी वेदी तक पहुंचने के लिए। पिछली शाम की तरह ही वेदी के पास बैठकर गीतों से और प्रसाद से छठ का पूजन करते हैं और सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। छठ के घाट पर न कोई अपना होता है, न कोई पराया, न कोई जात, न कोई पात, न छुआछूत, न ऊंच नीच। सभी लोग हर वेदी पर जाकर प्रसाद मांगते हैं, अपनी वेदी के साथ दूसरों की वेदी पर भी सर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। छठ के घाट पर सामाजिक विभाजन की वर्जनाएं टूट जाती हैं, सबकी एक ही पहचान होती है, सब छठ माँ के बेटे बेटियां हैं। वो दिन ऐसा होता है जब कहीं कोई छोटा बड़ा और अमीर गरीब नहीं दिखाई देता, दूर दूर तक सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, मनुष्य और उसकी चमचमाती हुई मनुष्यता। जितने निष्पाप, भावुक, प्रेम से भरे हुए, समरस हम छठ के अंतिम दिन होते हैं, अगर वैसे ही साल के 365 दिन रह पाएं तो भारत को विश्वगुरु बनने से और वसुधैव कुटुंबकम का हमारा स्वप्न साकार होने से कोई रोक नहीं सकता। छठ माता आप पर कृपा करें, आप सुखी हों, समृद्ध हों, और इस बार छठ पर अगर गांव नहीं गए तो अगली बार ज़रूर जाएं, क्योंकि माँ और माटी की पुकार अनसुनी नहीं की जाती। नमस्कार।